नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। पिछले दिनों लोजपा एनडीए से अलग हो गई। चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर जमकर प्रहार कर रहे थे और इसके साथ उन्होंने फैसला लिया कि अब एनडीए का हिस्सा हम नहीं रहेंगे। हालांकि पीएम मोदी से उनकी कोई बैर नहीं है, ये बात उन्होंने कह दी। तमाम तरह की चीज़ें हुई। रामविलास पासवान जो केंद्रीय मंत्री थे उनका निधन भी हुआ, तो ऐसे में तमाम चीज़ें जो हैं, तमाम लोगों के तेवर जो थी, चिराग पासवान के हो या फिर लोजपा के अन्य लोगों के, वो थोड़े नरम पड़ गए। लेकिन एक खबर जो अंदर खाने से आ रही है वो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति के लिए, या यूं कहें कि लोजपा के लिए, बहुत बड़ी खबर है। रामविलास पासवान के भाई और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके सांसद पशुपति नाथ पारस ने एक बड़ा बयान दिया है। हालांकि ये बयान उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान दिया है। उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि नीतीश कुमार तो विकास पुरुष है। नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि 20 तारीख के बाद वो बहुत कुछ कहने वाले हैं। क्या कुछ होगा 20 तारीख के बाद? अभी केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के का जो गम है उससे लोग उबरे नहीं हैं। अभी बहुत कुछ होना है, उनका जो श्राद्ध कार्यक्रम होता है वो सब भी होना है। तो ऐसे में एक तरफ सियासी चर्चाएं तेज हैं, वहीं पशुपतिनाथ पारस ने किन बातों के तरफ इशारा किया है ये देखने वाली बात होगी। चर्चाएं हैं कि अब बगावती तेवर अपना सकते हैं, क्योंकि एनडीए से अलग होने के फैसले को बहुत लोगों ने सही नहीं कहा था। लोजपा सुप्रीमो जो अभी फिलहाल चिराग पासवान हैं, वो लगातार इस मामले को लेकर सबसे राय मशविरा लेके फैसला तो ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की नाराजगी भी सामने आई थी। और अब उनके खुद के चाचा पशुपतिनाथ पारस जो कि सांसद हैं, उनकी नाराजगी कही जा रही है कि वो नाराज हैं इस चीज़ को लेकर और इस पर वो बड़ा बयान दे सकते हैं। किस परिस्थिति में एनडीए से अलग हुए, क्या कुछ वहाँ पर परिस्थिति थी, ये सब चीज़ों पर उन्होंने जिक्र किया है। हालांकि एक बात उन्होंने कही है कि वो प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें पत्र लिखेंगे अपने बड़े भाई यानी रामविलास पासवान के लिए। रामविलास पासवान को भारत रत्न देने की मांग करेंगे। साथ ही साथ 12 जनपथ रोड को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग करेंगे, उनके नाम पर करने की मांग करेंगे। तो ये दो मांगे हैं, ये दो मांग कर रहे हैं। और साथ ही साथ नीतीश कुमार के बारे में भी उन्होंने तमाम बातें कही हैं कि हम तो उनके साथ करीब 2.25 साल मंत्रालय में रहे हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, विकास पुरुष हैं, और जो कुछ भी बातें होंगी वो 20 तारीख के बाद बताएंगे। तो फिलहाल सभी गम में हैं। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान भी मीडिया के सामने अब आने लगे हैं। बीते कुछ दिनों से वो मीडिया से दूर हो गए थे जब उनके पिता का निधन हुआ था। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है। तमाम अपडेट्स के लिए बन रहे टाइम्स बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।